दोस्तों आज मैं आपको कश्मीर टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कश्मीर टूर में आप श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग कैसे घूम सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कश्मीर तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कश्मीर घूमने में कुल एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा। तो मैं कश्मीर की हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों कश्मीर अपने शानदार वादियों, गार्डन, लेक, स्नो और दिल को खुश कर देने वाले सीनिक व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पूरे साल ही करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप कश्मीर कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कश्मीर घूमने के लिए हम लोगों को सबसे पहले श्रीनगर पहुंचना होगा। मैं श्रीनगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रीनगर एक बहुत बड़ा शहर है जो कि वेल कनेक्टेड है वाई ट्रेन, वाई फ्लाइट और वाई रोड। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, करीब 3600 रुपये इकोनॉमी क्लास में टिकट है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता और भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है श्रीनगर के लिए, बट वो वाया दिल्ली होकर आती है तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। यहाँ के वेस्ट दो रेलवे स्टेशन है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और उधमपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ तक आने के लिए आपको हर प्रमुख बड़े रेलवे स्टेशनों से डायरेक्ट ईजिली ट्रेन मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ माता रानी के भक्त हैं जो वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं, वो अपना ट्रिप प्लान बना लेते हैं कश्मीर के लिए, तो वो लोग कटरा तक भी आ सकते हैं। आप चाहे तो उधमपुर तक भी आ सकते हैं। उधमपुर से बनिहाल लगभग 90 किलोमीटर का रास्ता है। उस रास्ते पर अभी रेल मार्ग का काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में रेल मार्ग शुरू हो जाएगा। लेकिन बनिहाल से श्रीनगर लगभग 110 किलोमीटर है, उस पर ट्रेन चलती है। आप चाहे तो बनिहाल से श्रीनगर का रास्ता बाई ट्रेन भी कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप उधमपुर, जम्मू, कटरा कहीं भी मौजूद हैं तो आपको एटलीस्ट बनिहाल तक बाई रोड ही आना पड़ेगा क्योंकि अभी रेल मार्ग शुरू नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। उधमपुर से बनिहाल 90 किलोमीटर का सफर रहेगा। जम्मू से बात करें तो जम्मू से जम्मू रोडवेज की बसें चलती हैं जो आपको बनिहाल ड्रॉप कर देगी। आप चाहे तो डायरेक्ट श्रीनगर भी जा सकते हैं। अगर आप कटरा में हैं और आपको बस नहीं मिली है तो आपको शेयरिंग टैक्सी ईजिली मिल जाती है, या आप पर्सनल टैक्सी भी ले सकते हैं बनिहाल तक। उसका आपको वो 5000 से 6000 रुपये चार्ज। अगर आप उधमपुर में हैं तो उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो कि आपको 300 से 400 रुपए लेकर बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देती है। उधमपुर से बनिहाल 3 घंटे का सफर रहने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सफर रहने वाला है, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो जब आप बनिहाल पहुंच जाएंगे तो बनिहाल से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलती है। बनिहाल से श्रीनगर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की है। हर एक घंटे में आपको बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन इजिली मिल जाती है। बनिहाल से श्रीनगर के लिए आपको जनरल क्लास का टिकट 35 रुपए का मिलेगा। समथिंग ये 2 घंटे का सफर रहेगा लेकिन बहुत ही खास रहेगा क्योंकि कश्मीर की खूबसूरत वादियों से होकर ये ट्रेन गुजरती है। बनिहाल से कश्मीर के लिए लास्ट ट्रेन शाम को 7 बजे है और अगर आप स्नोफॉल के टाइम आते हैं तो आपको अच्छी खासी बर्फ भी इस ट्रैक पर देखने को मिलेगी, तो वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। और अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बने बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए एसी बसेस और ऑर्डिनरी बस मिल जाती है। जम्मू से श्रीनगर के लिए ऑर्डिनरी बस आपको 550 रुपए चार्ज करते हैं और एसी बस आपको 830 रुपए चार्ज करते हैं। और बहुत सारी टनल को पार करते हुए, शानदार सफर को एंजॉय करते हुए अब हम लोग पहुंच जाते हैं श्रीनगर। अब हम बात करते हैं श्रीनगर में आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। श्रीनगर में होटल और रिजॉर्ट बहुत सारे हैं, इनकी कमी नहीं है। लेकिन श्रीनगर आने के बाद अगर आप होटल या रिजॉर्ट में रुके तो फिर मज़ा नहीं आएगा। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा श्रीनगर की फेमस डल लेक में बने बोट हाउस में। बोट हाउस में रुकने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं बता दूं आपको श्रीनगर में पहुंचना कहाँ है। श्रीनगर में एक डल झील है और एक डल गेट है। अगर आप डल झील के नाम से जाएंगे आप कहीं और पहुँच जाएंगे। आपको जाना है डल गेट। डल गेट आखिरकार एक टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर आप शिकारा राइड एंजॉय कर सकते हैं और हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं। हाउस बोट में रुकने का एक अलग ही मज़ा है। हाउस बोट का किराया है वो रहता है 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक रहता है। अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो आप खयाम चौक के पास भी स्टे कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर ऑन द स्पॉट जाकर भी बुक कर सकते हैं। होटल का किराया 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप श्रीनगर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप श्रीनगर के फेमस डल लेक में शिकारा राइड कर सकते हैं। शिकारा राइड में घूमने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी साइट सीइंग कवर करनी है, क्योंकि डल लेक में ही बहुत सारी साइट सीइंग है जो आपको ज़रूर कवर करनी चाहिए। उनमें से कुछ हैं लोटस गार्डन, लोटस लिली गार्डन, गोल्डन लेक, मीना बाजार, ऐसी आपको 12-13 साइट सीइंग देखने को मिलेंगी।
डल लेक में शिकारा राइड के थ्रू आप ये सब कवर कर सकते हैं। सबके चार्ज अलग अलग हैं, 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का पैकेज रहता है जिनमें आप 2 से 3 लोग घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीनगर की लोकल साइट सीइंग आप कैसे कर सकते हैं। लोकल साइट सीइंग करने के लिए आपके पास गाड़ी है तब तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप ऑटो या टैक्सी के थ्रू भी ये कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक चार्ज करते हैं और टैक्सी वाले आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 तक चार्ज करेंगे। अब हम सबसे पहले चलते हैं श्री शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। एक प्राचीन मंदिर है जो कि शिव जी को समर्पित है। इस प्यारे से मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में श्री शंकराचार्य जी ने की थी। इस मंदिर तक जाने के लिए आपको 250 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर शिव जी के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर श्री शंकराचार्य जी की तपोस्थली भी स्थापित है, आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से आप पूरे श्रीनगर के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा स्थान है, आपको यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो शंकराचार्य मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है, पंडित जी ने बताया। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो लाई गई है नर्मदेश्वर से, यानी नर्मदा नदी से वो शिवलिंग लाई गई है। तो फिर दर्शन तो बहुत प्यारे हुए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, या तो चलते हैं शालीमार गार्डन या फिर चलते हैं परिमल, देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं अंकल मेरे को। यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे परिमहल, जो शंकराचार्य मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परिमहल में आपको एंट्री के लिए 24 रुपए और बच्चों की एंट्री के लिए 12 रुपए का चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा गार्डन है, साथ ही एक छोटा सा महल भी बना हुआ है। इसका निर्माण 1600 ईस्वी में मुगल शासकों के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ टॉप पर और आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ कि क्या ही व्यू आ रहा है। और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी होने लगी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं भाई। परिमहल तो बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब काफ़ी अच्छी जगह। अगर आप आ रहे हैं श्रीनगर तो परिमहल बिल्कुल भी मिस ना करें। और फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ये फाउंटेन भाई, पहले जो कि नहीं चलता था, ये कुछ दिन पहले ही यहाँ स्टार्ट हुआ है। यहाँ के बाद आप चश्मे शाही गार्डन भी घूमने जा सकते हैं। ये गार्डन भी अपने खूबसूरत नज़ारे और पिकनिक स्पॉट्स के लिए काफ़ी शानदार प्लेस है। यहाँ पर भी आपको घूमकर काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ के अलावा आप निषाद गार्डन और शालीमार गार्डन भी घूमने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस टाइम मुगल गार्डन में और जस्ट देख सकते हैं क्या व्यू है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर जो फाउंटेन का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर काम चल रहा है कुछ फाउंटेन का, तो इसलिए अभी फाउंटेन वगैरह चालू नहीं है और वो स्टार्ट हो जाएंगे कुछ 2-4 दिन में, क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं ये है पूरा मुगल गार्डन। तो फ्रेंड्स, सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो शायद आप लोगों को धुंध की वजह से क्लियर ना दिख रहे हो, बट बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं फ्रेंड्स। तो इस पहाड़ों की वजह से जब ये धुंध नहीं होगी तो और भी ज़्यादा व्यू अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, गार्डन घूमने के बाद हो चुकी थी शाम, टाइम हो चुका है 5:30 और ठंडी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा मैंने सारा लोकल साइट सीन कवर कर लिए हैं, क्यों ना चाय पी ली जाए। तो नितिन ने बोल दिया है भाई 3 चाय के लिए, तो भैया चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के बाद जो मेरे को देते हैं पीते हैं, क्योंकि चाय पीने से भाई ये मेरी दवा है टॉनिक, जिसको बोलते हैं ना टॉनिक, ये टॉनिक का काम करती है दोस्तों। तो आप यहाँ भी घूमने जरूर आए। तो इन सभी गार्डन में घूमते घूमते आपको शाम हो जाएगी, तो हम अपने होटल में आकर आराम करेंगे। नेक्स्ट डे सुबह चलेंगे सोनमर्ग। दोस्तों, श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर रहती है। टैक्सी वाले आपसे 2300 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक चार्ज करते हैं, या फिर आप बाई बस भी सोनमर्ग जा सकते हैं। अगर आप बाई बस जाते हैं तो आप 300 रुपए में सोनमर्ग पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से सोनमर्ग के रास्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। पूरे ही रास्ते स्नो कवर माउंटेन्स के साथ साथ झेलम रिवर आपके साथ साथ में चलती है। बहुत ही प्यारे और शानदार नज़ारों को देखते हुए आप पहुंच जाएंगे सोनमर्ग। दोस्तों, यहां फरवरी से मई के बीच में अगर घूमने आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। वैसे तो पूरी साल ही टूरिस्ट सोनमर्ग घूमने के लिए आते हैं। अगर आप यहां 0 पॉइंट और थाजीवास ग्लेशियर और कुछ व्यू पॉइंट घूमना चाहते हैं तो वहां आप घोड़े के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप घोड़ा से जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1000 रुपए चार्ज करते हैं, बट आप बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत कम भी कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप सोनमर्ग के पास के कुछ पॉइंट कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गाड़ी से भी घूमने जा सकते हैं। जब मैं गया था तो गाड़ी से ही गया था, क्योंकि गाड़ी वाले आपसे 1500 से 2000 चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपको 0 पॉइंट, वालटाल, रिवर क्रॉसिंग, थाजीवास ग्लेशियर, फिश पॉइंट के अलावा 1-2 पॉइंट और घुमाते हैं। गाड़ी में आप 7 लोग आराम से आ जाते हैं, तो गाड़ी से घूमना ज़्यादा बेस्ट है। और आप यहाँ पर सभी तरह की स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्लेज राइडिंग, ट्यूब स्लाइड, ATV बाइक और भी स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एक्टिविटीज करते हैं तो बार्गेनिंग अच्छे से करें। दोस्तों, सोनमर्ग में घूमने और मस्ती करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप आते हैं यहाँ पर तो आपकी जम्बू पे ही जो प्रीपेड सिम होती है वो सारी बंद हो जाती है, और आपकी अगर पोस्टपेड सिम है तो वो चलती है, वरना आप जम्बू या फिर उधमपुर उतरते हैं वहीं से आप सिम ले लें, जो कि आपको यहाँ मिल जाती है एयरटेल की 350 से 400 में, और वो तुरंत 5 से 6 मिनट में आपको एक्टिवेट करके दे देते हैं।
तो शाम होते ही अब हम लोग वापस श्रीनगर यानी अपने होटल के लिए चलेंगे। रात में होटल में आराम करके अब हम सुबह निकलेंगे गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग जाने के लिए टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2500 रुपए चार्ज करेंगे। यहाँ पर आपको फरवरी से मार्च तक बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ गर्मियों में आते हैं तो स्नो आपको फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज पर देखने को मिलती है। फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज पर आप गंडोला राइड के थ्रू जा सकते हैं। फर्स्ट फेज की बात करें तो 850 रुपए और सेकेंड फेज की बात करें तो 1750 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। गंडोला राइड की टिकट आपको ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करनी होती है क्योंकि बाद में भीड़ भाड़ के कारण आपको टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप गर्मियों में यहाँ घूमने तो गुलमर्ग में पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अब हम वापस चलेंगे श्रीनगर के लिए। अब अगले दिन आप जम्मू और जम्मू से अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाने की दोस्तों, तो श्रीनगर में वेज और नॉन वेज हर तरह के फूड आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्टोल ढाबा पर अपना डिनर जरूर करें। ये श्रीनगर का बेस्ट होटल है जो कि डल लेक चौक के पास ही है। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और रेट भी आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं श्रीनगर आने का बेस्ट टाइम क्या होता है। वैसे तो पूरे साल यहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते हैं लेकिन फरवरी टू जून यहाँ का बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ भी होती है क्योंकि ये यहाँ का पीक टाइम है। अब हम बात करते हैं आपको श्रीनगर आने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। यहाँ आप 3 दिन 4 नाइट के लिए भी प्लान कर सकते हैं या फिर आप 4 दिन 5 नाइट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप 4 नाइट 5 डे का प्लान बनाते हैं कश्मीर घूमने का और अच्छे होटल में स्टे करते हैं तो 2000 रुपये के हिसाब से आपका होटल का हो गया, जिसमें आप 4 दिन होटल में स्टे करेंगे तो आपका 8000 रुपये हो गया होटल का। और पहले दिन आप श्रीनगर में लोकल साइट सीइंग ऑटो से करते हैं तो उसका आपका हो गया 1000 रुपये। और अगर आप सोनमर्ग गुलमर्ग और पहलगाम टैक्सी से घूमने जाते हैं तो 3 दिन का आपका हो गया 7000 रुपये टैक्सी का। अब हम बात करते हैं मील्स की, तो 5 दिन का आपका हो गया 5000 रुपये, जिसमें आप दोनों लोगों का हो जाएगा। तो टोटल हो गया ये 8000 आपका होटल का हो गया और 1000 आपका ऑटो को हो गया, यानी हो गया 9000। और 7000 रुपये आपका ये टैक्सी का हो गया, तो यानी हो गया आपका ये 15-16000। 5000 आपका खाने का हो गया, तो टोटल हो गया ये 21000। कुल मिलाकर दो लोगों का आपका 21000 से लेकर 25000 रुपए में आप पूरे में कश्मीर घूम लेंगे। और यह टूर आप टूर पैकेज के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे, आपके बजट के ऊपर जैसा सही हो, आप वैसा कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।